इसको, सभी भाइयों को और मेरी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ज्ञान सिद्धि बोलता हूँ। ये हम सीधे खुदा के वचनों में चलते हैं और अपनी बाइबल लेंगे और हम प्रकाशित वाक्य और उसका 10 अध्याय और उसका 1 से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 से लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्ग दूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और अपना बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए और सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी है उन्हें मत लिख, गुप्त रख और मत लिख। इस स्वर्ग दूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा। उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो जुगाड़ जो जीवित है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, और उसी की शपथ खाकर कहा, अब और देर ना होगी। वर्ण सातवें स्वर्ग दूत के तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया है पूरा होगा। एक और लिख लेंगे हम एक बार, दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय और उसकी 3 से 11 तक पढ़ते हैं और लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय समर्थता ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया और जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़हार से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए सिद्ध को सिद्ध करके करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसके साथ हम एक और पढ़ते हैं, इफिसियों 4 और उसकी 13 से 16 तक, 4 अध्याय उसकी 13 से 16, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं।
पर प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती जाए कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। और उसकी हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता और गवाही देता हो, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विकृतियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हम अपने सिरों को झुकाते हैं। हमारे जीवित और अति अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस शाम के लिए प्रभु, और हमारे भाइयों ने प्रभु बहुत यत्न किया प्रभु कि हम लोग इस माध्यम के जरिए से एकजुट हो सके प्यारे प्रभु, और खुदावन प्रभु ये आपका अनुग्रह है प्रभु, और आपने उन भाइयों को बोझ दिया प्रभु, और खुदावन यीशु मसीह उन भाइयों पर अनुग्रह करें, कृपा करें पिता, और जितने भी भाई बहन प्रभु लाइव के जरिए हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु और सुन रहे हैं प्रभु, सभी आशीषित हुए, और खुदावंद मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, ये खुदावंद होने दे कि प्रभु मुझे दृश्य हटा दें प्रभु, ताकि लोग आपकी आवाज को सुन सके मेरे प्रभु, जैसे एक बार नबी प्रभु बोलते बोलते चुप हो गया प्रभु, और आपका अनुग्रह उस जगह पर आ गया प्रभु, और बालकोनी से आवाज आनी शुरू हो गई प्रभु, आप आज भी वैसे ही हैं प्रभु, क्योंकि बाइबल बताती है कि आप आज कल और युवा जी एक से हैं प्रभु, अनुग्रह की करें प्रभु, इस छोटे से झुंड को प्रभु, सभी भाइयों बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, प्रार्थना को प्यारे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, और इस सुंदर शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसने हम सभी को इस जगह पर इकट्ठे किया है, और आज का मेरा एक शीर्षक है आपका जीवन ही शैतान के विरुद्ध एक गर्जन, और एक छोटा शीर्षक है आपका जीवन ही शैतान के विरुद्ध एक गर्जन है, और जो आप हमारे प्यारे नबी ने बोला है, जैसे हमने बाइबल में से पढ़ा और हमने प्रकाशित वाक्य से पढ़ा है, और लिखा है कि एक बलि दूत आया और उसके हमने प्रकाशित वाक्य 10 में से पढ़ा था, और जब बाइबल बताती है कि जब यूहन्ना लिखने पर था और उसने उसे मना कर दिया गया, और उसके बाद मैं फिर से पढ़ता हूँ, और ऐसे बड़े शब्द से चलाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिए, और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना जो बातें गर्जन के साथ उन सात शब्दों से सुनाई है, उन्हें गुप्त रख मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवित है और जिसने स्वर्ग और स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, समुद्र को जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शब्द खाकर कहा अब और देर ना होगी, वरन सातवें दूत के तुरी फूकने पर, बाइबल बताती है कि सातवें दूत के तुरी फूकने पर परमेश्वर के सभी भेद और सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे जो उसने अपने भविष्यवक्ताओं को बोले हैं, और जो कुछ भी प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं से बोला है वह सभी पूरा हो जाएगा। और हम जानते हैं और हमने पढ़ा है कि बाइबल बताती है पत्रस के अध्याय पे आप लोग क्या करें, आप विश्वास के साथ संतुल और संतुल के साथ समझ और
ऐसे करते करते आप सात गुणों में बढ़ते जाए और वो जो चोटी का पत्र है वो प्रेम आपको आपके ऊपर आ जाए। और हमें जरूरत है कि हम इन गुणों में बढ़ते जाए। और भाई ब्रह्म ने अपने संदेश में बोला, भाई ब्रह्म के संदेश का नाम है परमेश्वर से पर्दे को उठाना। और नबी का संदेश है, भाई ब्रह्म ने और बहुत से संदेशों में बोला, और नबी ने बोल नबी अपने संदेशों में बोलता है, भाई ब्रह्म ने बोला तो कि एक बार मैं बल्ब जो होते हैं उनको बेचने के लिए जा रहा था और कंपनी ने हमें हम लोगों को बोला कि आप लोग उन बल्बों को बेचे और लाइटों को बेचे। और नबी ने बोला कि उन्होंने हम सभी को भेज दिया। और भाई ब्रह्म ने उनको बोला कि मैं पहले जानना चाहता हूँ कि ये बल्ब कितनी रोशनी देगा और कितनी यील्ड खाएगा और उसके बाद ये इसकी गारंटी क्या है। और सभी लोग तो बेचने चलेंगे पर भाई ब्रह्म और उस जो जिधर वो बल्ब बना था उधर गया और उनसे पूछा। सभी कुछ जानने के बाद भाई ब्रह्म सुनिश्चित हो गए और इसकी गारंटी क्या है और ये कितने समय तक चलेगा और इसके क्या क्या फायदे हैं। और सभी कुछ जानने के बाद वो सेल्समैन के लिए वो बल्बों को बेचने के लिए चला गया। और भाई ब्रह्म अपने संदेश में बताते हैं इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह है। और जितनी देर तक आप यीशु मसीह को जानते नहीं है, जितनी देर तक आप उसके उसके जीवन को नहीं जानते, आप नहीं जानते कि यीशु मसीह में कौन कौन से गुण है और यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह क्या करने वाला है, तो तब तक आप उसके बारे में सब कुछ नहीं बता सकते। और ब्रह्म ने बोला उन सभी ने बल्ब बेचे और भाई ब्रह्म उनसे काफी देर बाद गया, सब कुछ जानने के बाद में गया और भाई ब्रह्म ने सबसे ज्यादा बेच पाया। उसका कारण ये था कि भाई ब्रह्म ने उसके बारे में सभी जानकारी इकट्ठी कर ली और भाई ब्रह्म उसके बारे में कॉन्फिडेंट थे और भाई ब्रह्म उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानते थे कि यह बल्ब क्या करेगा और इसकी क्या गारंटी है और इसके इसके क्या क्या फायदे हैं। और भाई ब्रह्म बोलता है जितनी देर तक आप यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, उसे अपना व्यक्ति आपका उसके साथ एक निजी मुलाकात नहीं होती, जब तक आप उसे निजी मुलाकात नहीं करते आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। और आप उसके बारे में ऊपर ऊपर से बताते हैं यीशु ये है यीशु वो है, पर जब आपका उससे निजी मुलाकात हो जाती है, जब आप उसके वो मुलाकात करते हैं, जब जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन ब्रह्म ने बोला है जितनी देर तक हम प्रभु को अच्छी तरह से नहीं जान पाते, हम उसके बारे में कभी भी सही तरीके से किसी को नहीं बता पाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जान पाए। और इसलिए हम नबी ने बोला है, जैसे अभी सात गर्जन के मेरा विषय है, आपका जीवन ही सात शैतान के विरुद्ध में एक गर्जन है। और आप जो जीते हैं, आप जैसा जीवन जीते हैं, हमारे लिए अवश्य है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, हमारे लिए अवश्य है कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और भाई ब्रह्म ने बोला, भाई ब्रह्म का एक संदेश है और उसका नाम है, रिपोर्ट पढ़कर आपको बताऊंगा, परमेश्वर को बेपर्दा करना, और इसका पेज नंबर है 81 और 82 और इसका पैराग्राफ है 273। और नबी इसमें बोलता है, हर एक व्यक्ति वे मेरे पास आकर हमेशा ही मुझसे यह कहते थे, भाई ब्रह्म वे सात गर्जन जिनका की शब्द हुआ था और उसने कहा था इन्हें मत लिख वर्न इन्हें गुप्त रख, क्या ये सात गर्जन के शब्द नहीं हैं जिन्हें इन अंत के दिनों में प्रकट किया जाएगा। देखिए सात गर्जन जो कि हमें बताएंगे। अब देखिए क्या बात बहुत अच्छी नहीं लगती समझे, परंतु जब आप ऐसा कहते हैं तो आप उस पर ध्यान दें, आप किसके विषय में क्या कह रहे हैं। देखिए उसने कहा था तुम इन्हें मत लिख, तू इन्हें मत लिख, समझे, इन सात गर्जनों ने अपना शब्द दिया था, समझे, उसने कहा था इन्हें मत लिख, परंतु इन्हें अंतिम दिन तक वचन में मोहर बंद रहना है। अब देखिए कोई मुझसे कह रहा था, अनेकों लोग मुझसे कह रहे थे कि धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने मुझसे कहा था, भाई ब्रह्म यदि प्रभु परमेश्वर उन्हें मुझसे कहा प्रभु परमेश्वर उन्होंने मुझसे कहा था, मैं यह अति नम्रता पूर्वक कह रहा हूं,
उन्होंने मुझसे कहा था, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तुम्हें जो अनुभव दिया है उसके द्वारा तुम इस योग्य हो कि तुम स्वयं एक बाइबल लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वचन वह है जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया। और भाई ब्रैनम बोल रहे थे, भाई ब्रैनम ने अपने संदेश में बताया कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, भाई ब्रैनम जैसा कि प्रचार आप करते हैं और आपको खुदा खुदा आप पर प्रकट करता है, परमेश्वर आप पर वचन को प्रकट करता है और आप तो एक बाइबल लिख सकते हैं, आप अपनी एक बाइबल लिख सकते हैं। भाई ब्रैनम कहता है, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा हो सकता है कि यह सत्य हो, देखिए वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, समझे। मैंने कहा लेकिन आप देखिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। उसने कहा आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा करने के लिए तो आपके पास समस्त योग्यताएं हैं। मैंने कहा परंतु आप देखिए मैं कि ना तो एक भी शब्द जोड़ा जा सकता है और ना ही एक भी शब्द निकाला जा सकता है। उसने कहा अच्छा तो फिर क्या इन सात गर्जनों को, वे सात गर्जन जो की गर्जे थे, क्या यह एक प्रकाशन नहीं है जो किसी एक मनुष्य को दिया जाना है। मैंने कहा जी नहीं श्रीमान, ऐसा करना तो वचन में कुछ जोड़ना या कुछ निकालने के जैसा होगा। भाई ब्रैनम बोलते हैं इसे उन्होंने कहा क्या भाई ब्रैनम जो सात गर्जन के शब्द हैं और जिनको योहन्ना को लिखने के लिए मना कर दिया गया, क्या वे प्रकाशन होगा, क्या वे बाइबल में लिखे हुए नहीं है। भाई ब्रैनम ने बोला, भाई ब्रैनम बोलते हैं अगर ये बाइबल में जोड़े जाते हैं, अगर ये बाइबल में लिखे हुए नहीं है तो ये तो बाइबल में जोड़ा जाना है। और बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 18 में कि ना ही हम इसमें कुछ शब्द जोड़ सकते हैं और ना ही इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। और उसने कहा अच्छा तो फिर क्या उन सात गर्जनों को, ये सात गर्जन के जो कि गर्जे थे, क्या यह एक प्रकाशन नहीं है जो किसी मनुष्य को दिया जाएगा। तो मैंने कहा जी नहीं श्रीमान, ऐसा करना तो वचन में कुछ जोड़ने या निकालने के जैसा होगा। इन सब का प्रकाशन उसी में दिया हुआ है और सात मोहरों के प्रकाशन में प्रकट कर दिया है। और यह क्या था, यह अभी भी वचन है। आप देखिए आप उस वचन से बाहर नहीं निकल सकते और परमेश्वर का वचन उस वचन को कदापि ना छोड़ेगा, वह तो वचन के साथ ही बना रहेगा। वह तो कुछ लोगों की आंखों को अंधा और दूसरों की आंखों को खोल देता है, वह हमेशा ही एक सहार करेगा। और भाई ब्रैनम बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आप भाई ब्रैनम ये किसी मनुष्य को प्रकाशन नहीं दिया जाएगा। और भाई ब्रैनम ने बोला अगर यह कोई किसी मनुष्य का प्रकाशन है तो ये वचन में कुछ जोड़ना या कुछ निकालना है, वरन ये तो पहले से ही बाइबल में लिखे गए हैं। और इसलिए भाई ब्रैनम ने बोला ये बाहर से नहीं लिया जा सकता। और जैसे कि बोलते हैं कि सात गर्जन के शब्द वो लिखे नहीं गए, भाई सात गर्जन के शब्द कहाँ पर लिखे हैं हमें दिखाइए, और भाई योहन्ना को मना कर दिए कि इन्हें मुहर लिख। अगर योहन्ना को मना कर दिया गया और उसे बोला गया कि इसे क्या कर, मोहर बंद कर, योहन्ना को मोहर बंद करने के लिए बोला गया, भाई ब्रैनम ने बोला है कि बाहर से कुछ नहीं लिया जा सकता। और अगर हम सात गर्जन के उन शब्दों को बाहर से लेते हैं तो ये तो बाइबल में कुछ बढ़ाना और कुछ घटाना हो गया, और हम उसमें से कुछ भी बढ़ा नहीं सकते, कुछ भी माइनस नहीं कर सकते, कुछ प्लस नहीं कर सकते। और भाई ब्रैनम बोलते हैं हम इसमें कुछ भी बढ़ा नहीं सकते। और नबी ने बोला है अपने संदेश में, भाई ब्रैनम एक और है इसका पैराग्राफ है, मसीह की दुल्हन का, मसीह और उसकी दुल्हन का अदृश्य मिलाप, और इसका पेज नंबर 76 है। और नबी ने उसमें बोला मैं प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं कि मैं आपका अत्यंत धन्यवाद देता हूं कि आपने भोजन दिया, प्राकृतिक भोजन के लिए भी धन्यवाद प्रभु, परंतु प्रभु आपका धन्यवाद उस आत्मिक भोजन के लिए देता हूं जो इस अंत के समय में आपने दिया, सात मोहरों के भेद आपने खोल दिए, और इस आत्मिक भोजन के लिए अनेकों बार धन्यवाद हो। आपका कि अंत के समय में वे भेद खोले जाएंगे, प्रभु आपको धन्यवाद। भाइयों आप कहेंगे कि उन मोहरों के अर्थ कुछ अलग, नहीं नहीं आप वचन में एक शब्द भी नहीं जोड़ सकते,
ना ही उसमें से एक शब्द घटा सकते हैं। उन मोहरों में सब कुछ पहले से लिखा है, वह सब केवल दृष्टि से छिपा कर रखा गया है, गुप्त रखा गया है। उस लिखे हुए पर मोहर लगाकर उन्हें मोहर बंद कर दिया गया था। आप में से कितने लोग इस बात को समझते हैं? कहिए आमिर। देखिए, आप कहते हैं कि वे भेद तो या बाद में खोले जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो पहले से लिखे हुए हैं। उनमें से आप ना तो एक शब्द जोड़ सकते हैं, ना ही एक शब्द घटा सकते हैं। देखिए भेद क्या है, यह सब पहले से लिखा है। केवल इस अंत के समय में उन्हें प्रकट किया जाएगा। और भाई ब्रैनम बोलते हैं, आप उसमें से एक भी शब्द नहीं निकाल सकते, आप एक ही भी शब्द नहीं मिला सकते। भाई ब्रैनम बोलते हैं, ये तो पहले से लिखा जा चुका है और इसे मोहर बंद किया गया था योना के द्वारा, और अंतिम समय में इसे प्रकट किया जाएगा। और यह समय है जब परमेश्वर के सभी गुप्त मनोरथ और परमेश्वर के सभी भेद प्रकट किए जाएंगे। और भाई ब्रैनम ने बोला, ये अंतिम समय में प्रकट किए जाएंगे ताकि दुल्हन को उठाए जाने वाला विश्वास दे सके, और सात गर्जन दुल्हन को उठाए जाने वाला विश्वास देंगी। भाई ब्रैनम ने अपने संदेश में बोला कि सात गर्जन क्या करता है, सात गर्जन दुल्हन को उठाए जाने वाला वो रैप्चरिंग फेज देंगी ताकि दुल्हन उठाई जा सके, ताकि दुल्हन उस प्रभु के पास पहुंच जा सके। और भाई ब्रैनम बोलते हैं, आत्मिक भोजन सही समय पर, और नबी इसमें बोलता है। कहते हैं तब वहां पीछे सात मोहरों पर ध्यान दे, जब वे सात स्वर्गदूत उस पिरामिड की शक्ल में नीचे आते हैं, मैं वह खड़ा था और मुझे यह वापस आने और उन सात मोहरों पर बोलने के लिए कहा गया था, वह मेरे साथ होंगे। उसने मुझे दिखाया था कि ये क्या था, क्या थी, मुझे खोई हुई बातें दिखाई थी। मैं सदैव ही सोचता था कि यह पुस्तक के पीछे मोहर देकर बंद की गई है, और यह कुछ ऐसी बात होगी जो पुस्तक के अंदर नहीं लिखी गई होगी, परंतु हमें यह पता चला कि यह ऐसे नहीं कर सकता। यह कुछ ऐसी बात थी जो पुस्तक में छिपी थी, क्योंकि जो कोई इसमें से एक शब्द बाहर निकाले या इसमें से एक शब्द जोड़े, यह एक भेद है। नबी ने बोला, बाइब्रेनम कहता है, बाइब्रेनम ने बोला कि मैं पहले सोचता था कि ये पुस्तक में ये बाहर से आएगी या ये लिखी गई नहीं है। नबी कहता है, पर क्या हुआ, ये पुस्तक के अंदर है और इसे मोहर बंद किया गया। और नबी ने बोला कि वह पिरामिड की शक्ल में आई, वो स्वर्गदूत कहते हैं वो पिरामिड की शक्ल में आई। और बाइब्रेनम बोलता है, क्या इसका संदेश का नाम है आत्मिक भोजन सही समय पर, और इसका पैराग्राफ 83 था। और नबी ने इसमें बोला कि वह आप इसमें कुछ भी मिला नहीं सकते, आप इसमें से कुछ भी निकाल नहीं सकते। और जैसे कि यूहन्ना ने बोला था, यूहन्ना को बोला गया था कि तुम इसे मोहर बंद कर, और सात गर्जन इसे बाइबल में होना जरूरी है। अगर हम बाइबल के बाहर से कुछ लेते हैं तो ये तो कुछ बढ़ाना और घटाना होगा। अगर सात गर्जन है हुई है तो बाइबल बोलती है, और नबी ने भी बोला कि सात गर्जन दुल्हन को उठाए जाने वाला विश्वास देंगी, वो हमें रैप्चरिंग फेथ देंगी, और इसके लिए हमें जरूरी है कि उन सात गर्जनाओं को जाना जाए, और जितनी देर तक हम उन्हें जानते नहीं, हमारा रैप्चर नहीं हो सकता, हम मसीह को जी नहीं सकते, हमारा जीवन मसीह वाला जीवन नहीं हो सकता। हम उसे खाली ऊपरी तरफ से ले रहे हैं, हम जान नहीं पाए कि मसीह कौन है, और मसीह को जानने के लिए हमें उन सात गर्जनों का जानना जरूरी है कि वे गर्जनाएं क्या है। और नबी का संदेश है, श्रीमान और इसका श्रीमानो, क्या यह वही समय है? और नबी इसमें बोलता है, इसका पेज नंबर है, पेज नंबर 90 है। नबी बोलता है, हो सकता है ऐसा होना सोच से भी कहीं अधिक निकट हो, उसने मुझे बहुत भयभीत कर दिया, वो मैंने तो काफी कुछ नहीं किया है, हम कहां पर हैं, समय और अधिक ना होगा। उस स्वर्गदूत ने घोषणा की है, समय पूरा हो गया है, इसके बाद क्या होता है, क्या होता है भाइयों, क्या यह अभी हो सकता है?
आप इसके विषय में गंभीरता पूर्वक सोचे, यदि ऐसा हो तो तब पिरामिड सात गर्जन के द्वारा ढका हुआ है। ब्रह्म बोलते हैं कि वह पिरामिड, वो पिरामिड कैसे सात गर्जनाओं के द्वारा ढका हुआ है। क्या आपको पिरामिड का संदेश याद है? वह चोटी का पत्थर है। यह क्या करता है? पवित्र आत्मा व्यक्तिगत जन को ढांपता है और मुहर बंद करता है। जब हम अपने विश्वास पर धार्मिकता और धार्मिकता पर भक्ति और विश्वास और वगैरह वगैरह बढ़ाते जाते हैं, जबकि हम सातों चीजें नहीं पा लेते, हम इसमें बढ़ते जाएं। और सातवां वह प्रेम है जो कि परमेश्वर है, और इस तरह वह वो व्यक्ति वो बताता है कि उसे पवित्र आत्मा के द्वारा ढांप देता है और मोहर बंद कर देता है। यदि वह ऐसा की है तो उसके पास सात कलीसिया काल है जिनमें उसके सात भेद है जो कि प्रकट किए गए हैं, और वह इसे वापस लाने के लिए लड़े। अब चोटी का पत्थर आता है और कलीसिया को ऊपर से ढांपता है। क्या गर्जन का यही अर्थ है मेरे भाइयों? श्रीमान, क्या यही वह जगह है जहां पर हम हैं? और भाई ब्रणम इस संदेश में साफ बोलते हैं, क्या भाइयों गर्जन का यही अर्थ है? और भाई ब्रणम ने बोला, क्या वो गर्जनाएं क्या करती हैं? पिरामिड को ढांप लेती हैं। और नबी इसमें सीधा इशारा करता है कि सिद्ध मनुष्य का डील डॉल ही पिरामिड, जो जो पिरामिड का संदेश है। और नबी में इसमें बोला पिरामिड का संदेश ही है गर्जन का संदेश। और नबी में नबी ने मानो क्या यही वो समय है इसमें बोला है। और इसलिए आज हमारा विषय यही था कि आपका जीवन ही शैतान के विरुद्ध में एक गर्जन, और जब आप उस सिद्ध मनुष्य के डील डॉल को जीना शुरू कर देते हैं। हमने बोला उस विश्वास के साथ सद्गुण और सद्गुण के साथ समझ और समझ के साथ भक्ति, और ऐसे हम सभी गुणों में बढ़ते जाएं। और जब हम बढ़ते जाते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें ढांपता है और चोटी का पत्थर वो प्रेम हम पर आकर ठहर जाता है। और नबी ने बोला वो प्रेम क्या है? वो खुद यीशु मसीह है, और अगर हम उसमें बढ़ते जाए, और इसलिए जरूरी है कि हम उन गुणों को पहन लें। और आपके लिए जरूरी है कि आप एक मसीही जीवन जिए, और जितनी देर तक हम एक मसीही जीवन नहीं जीते, और जब वह गर्जनाएं हम पर हमें आकर ढांप लेती हैं, और जब वो गर्जनाएं हमारे अंदर होने शुरू हो जाती हैं, जब वह गर्जनाएं हमें चलाना शुरू कर देती हैं, हम जब उन गर्जनाओं को जान जाते हैं, तब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। और नबी ने बोला अभी कलीसिया में वे बेदारी नहीं है। गणव ने बोला अभी कलीसिया में वे बेदारी नहीं है जो बेदारी होनी चाहिए, और उस बेदारी को कौन लेकर आएगा? वो गर्जनाएं उस बेदारी को लेकर आएंगे। नबी ने बोला तो ब्रणम तीसरी मोहर में बोलते हैं, और उसका पेज तीसरी मोहर और उसका पैराग्राफ है 183। और नबी उसमें बोलते हैं अब आज यही कारण है कि जैसी बेदारी हम में होनी चाहिए वैसी बेदारी हम में नहीं होती। हम में तो केवल नामधारी कलीसिया रूपी बेदारी होती है। हम में यह सच्ची जागृति नहीं आती, नहीं श्रीमान, यह ना सोचे कि हम में बेदारी पाई जाती है। हमें बेदारी नहीं पाई जाती है। वो उनके पास लाख लाख गिरजों के सदस्य है, परंतु उनमें कहीं भी कोई बेदारी नहीं है। अभी तक दुल्हन में कोई बेदारी नहीं है, समझे? वहां पर अभी तक कोई बेदारी नहीं है। दुल्हन को झंझोड़ने हेतु वहां पर अभी तक कोई परमेश्वर का प्रकटीकरण नहीं है, समझे? अब हम इसकी राह देख रहे हैं, उसे फिर से जागृत करने हेतु वहां सात अज्ञात गर्जन के शब्द होने हैं। और जी हाँ, परमेश्वर इन गर्जना के शब्दों को करेगा, उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। भाई ब्रणम ने तीसरी मोहर में बोला परमेश्वर उन गर्जनाओं को करेगा। जो गर्जनाएं क्या करेंगी? कलीसिया को बेदार करेंगी। ये नबी ने बोला है कलीसिया में अभी तक वो बेदारी नहीं है जिस बेदारी के लिए भाई ब्रणम बोल रहा है। और नबी ने बोला अभी तक उनके पास सदस्य बढ़ सकते हैं, सभी कुछ हो सकता है, पर अभी तक उनमें वो बेदारी नहीं है। और नबी बोलता है
इसका चौथी मोहर में और इसका पैराग्राफ 180 में नबी कहता है हमने देखा था कि वह भी तलवार से ही वचन रूपी तलवार से मारा जाएगा। परमेश्वर का वचन जो कि दोधारी तलवार से भी तेज है उसे मारता है, उसे नीचे तक गिराता है, उन सात गर्जनाओं के शब्दों को अपना शब्द करने तक प्रतीक्षा करें। तब एक ऐसा झुंड होगा जो परमेश्वर का वचन को ले सकता है। नबी कहता तीसरी मोटी पर वर्णन कह रहा है कि अभी तक वो बेदारी नहीं है, पर जब वे बेदारी आती है, जब वो सात गर्जनाओं के शब्दों को करता है, जब कलीसिया उन सात गर्जनाओं के शब्दों को लेती है, नबी कहता अब उनके पास एक बेदारी है, प्रतीक्षा करें जब तक अब उनके पास एक बेदारी है, तब एक ऐसा झुंड होगा जो परमेश्वर के वचन को ले सकता है। नबी कहता है पर ब्रह्म ने बोला अब एक वहां पर एक ऐसा झुंड जो उन शब्दों को ले सकता है, इतना वो भी नहीं जो परमेश्वर के वचन से वचन ले सकता है और उसे दे सकता है। वह टुकड़े टुकड़े काट देगा और आकाश वे आकाश को बंद कर सकते हैं, वे इसे बंद कर सकते हैं, वे कर सकते हैं जो चाहे वे कर सकते हैं। वह उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जो कि दोधारी तलवार से भी चौका है क्या होगा, यदि वे चाहें तो सैकड़ों 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 करोड़ों टन कुटकियां बुला सकते हैं। आमीन। वे जो कुछ भी करेंगे वह घटित होगा क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है और जो परमेश्वर के मुख से आ रहा है। आमीन। जी हाँ, ऐसा ही होना है। यह वचन तो परमेश्वर का ही है लेकिन उसे क्रियान्वित करने हेतु उसे सर्वदा एक मनुष्य का प्रयोग किया है। अब्राहम कहता है अब्राहम ने बोला यह वचन परमेश्वर का वचन है और जब सात गर्जनाएं प्रकट होगी तो एक ऐसी कलीसिया होगी, एक ऐसा झुंड होगा जो परमेश्वर के वचन को ले सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। नबी ने अपने संदेश में बोला वो दुल्हन क्या करेगी, वो दोबारा से प्रेरितों के काम की पुस्तक को लिखेगी, वो उन्हीं कामों को करेगी जिनको उस पहली कलीसिया ने किया था, जिनको उन प्रेरितों ने किया था, वो उन सभी कामों को करेगी। भाई ब्रैनम ने उन कामों को कर दिखाया, भाई ब्रैनम में वो काम होने शुरू हो चुके थे, भाई ब्रैनम के अंदर वो सब कुछ हो रहा था और भाई ब्रैनम ने बोला एक कलीसिया आएगी जो इन कामों को करेगी, वो एक झुंड होगा जो उन कामों को करेगा। अभी तक हमारे पास वो बेदारी नहीं है जो बेदारी हमारे पास होनी चाहिए, अभी तक तो हम चर्च में भी नहीं आ पाते, अभी तक हमें आराधना के लिए बोलना पड़ता है, अभी तक पास्टर को जोर लगाना पड़ता है कि हम लोग आराधना करें, हम लोग स्तुति करें, अभी तक वो पास्टर को बोलना पड़ता है कलीसिया को कि समय से चर्च आए, आप लोग समय से नहीं आ पा रहे, आप लोग हर संडे नहीं आ पा रहे, आप लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप लोग मैसेज नहीं पढ़ पा रहे, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। जब सात गर्जन का प्रकाशन आएगा, जब सात गर्जनाएं उनके अंदर आएगी तो कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा। भाई ब्रह्म बोलता है वो ऐसा एक झुंड होगा जो उस वचन को ले सकता है, ऐसा एक झुंड होगा जो बाहर निकल सकता है, ऐसा एक झुंड होगा जो यशाया की माने दाग सकता है, प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा। और ऐसा तभी होगा जब सात गर्जनाएं उन मनुष्यों के ऊपर प्रकट होगी। और इसलिए जरूरी है कि हम उन उस जीवन को जिए, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा आज का विषय यही था कि तुम्हारा जीवन ही शैतान के विरुद्ध में एक गर्जन है और जितनी देर तक हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, जितनी देर तक हम एक मसीही जीवन को नहीं जी रहे, जितनी देर तक हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तब तक हमारा हम उस गर्जनाओं को नहीं करें। नबी ने बोला है इस संदेश का नाम है न्याय, न्याय और अनुग्रह का सिंहासन और इसका पैराग्राफ है 120। और नबी बोलता है यह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आवाजें शब्द थे, वो हमें जेफरसन विले में इस बात की आवश्यकता है, हजारों जीवित शब्द हो, परमेश्वर का गर्जन मधुरता पूर्वक पवित्रता पूर्वक शुद्धता पूर्वक गर्जनाएं कर रहा है, ऐसा जीवन हो जो परगंदा ना हुए हो, जो आज पृथ्वी पर बेदाग विचरण कर रहे हो। ब्रह्म बोलते हैं कि प्रभु को कैसा जीवन चाहिए,
ऐसा जीवन चाहिए, प्रभु को ऐसा जीवन चाहिए जो गंदा ना हुआ हो, जो पृथ्वी पर बेदाग विचरण कर रहा हो। जी हाँ, ऐसे ही सच्चे मसीह होते हैं, वही बैरी के विरुद्ध गर्जन का शब्द कर सकते हैं। और नबी ने बोला, वही बैरी के विरुद्ध, वही उस शैतान के विरुद्ध गर्जन का शब्द कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को गंदा नहीं किया है। मेरे भाई और मेरी बहनों, आपके लिए जरूरी है कि अपने जीवन की आप चौकीदारी करें, अपने जीवन को आप देखें कि आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, क्या आप मसीह के साथ ईमानदार हैं, क्या आप मसीह के साथ वफादार हैं। जितनी देर तक आप मसीह के साथ ईमानदार और वफादारी वाला जीवन नहीं जीते, नबी ने बोला कि प्रभु कैसे लोगों को चाहता है जिन्होंने अपना जीवन गंदा नहीं किया। और नबी इसमें बोलता है, शैतान इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप कितनी जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, शैतान इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप कितना ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं, शैतान आप कितना अधिक यह कह सकते हैं या आप कितना अधिक चीख चिल्ला सकते हैं। परंतु शैतान को इस बात से चोट पहुंची है कि वह उस पवित्रीकृत, उस पावन जीवन को देखे जो परमेश्वर को समर्पित होता है। आप उसे कुछ भी कहें, आप उसे कुछ भी कहकर पुकारें, यह तो उतना ही मधुर रहता है जितना वह मधुर रह सकता है। वह तो आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। मेरे खुदा यही है वह जो उसे दूर फेंक देता है, यही वह गर्जन है जो शैतान को हिला डालता है। भाई ब्रनम कहता है, नबी ने बोला, अगर आप उस जीवन को जीते हैं तो लोग चाहे जो मर्जी कहे, शैतान जो चाहे कहे, आपको गर्जनाओं वाले बोलते हैं, आपको बोलते हैं ये गर्जनाओं वाला झुंड है, ये ऐसा झुंड है, ये बोला वो वाला झुंड है। और आप जानते हैं यूसुफ का भी विरोध किया गया, और जब यूसुफ को उसके पिता ने वो सतरंगी चोला दिया, जब यूसुफ को उसके पिता ने वो सतरंगी सात रंगों वाला वो कुर्ता बनाकर दिया और उसके भाइयों ने उसका विरोध किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आज सायरन थंडर का विरोध हो रहा है। अब आज सभी लोगों ने ये सब वो थंडर्स वाला ग्रुप है, ये थंडर वाले लोग है। भाई मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थंडर को वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित रखा है उस मसीह को अर्पण करने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन की पहरेदारी की है, जो अपने चाल चलन पर देखते हैं, जो देखते हैं कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। और नबी ने बोला है, अब्राहम कहता है, वही एक यही वह गर्जन है जो शैतान के राज्य को लाता है। अब्राहम बोलता है, आपका जीवन ही शैतान के राज्य को लाता है, और ये क्या है, शैतान के विरुद्ध में एक गर्जन है। और भाई ब्रह बोलते हैं, ये कब होता है, जब आप मसीह के जीवन को जीते हैं। और नबी बोलता है, ब्रह्म का संदेश है एक और, नबी कहता है, खुदा परमेश्वर खुदा को खुद को सरलता में छुपाता है। भाई ब्रह्म इसमें बोलते हैं, नबी ने बोला, एक और पैराग्राफ पढ़ता हूं आपके लिए। नबी ने बोला, अब हम किसी दूसरी चीज में है, इस समय हम वचन में है, अतः हम अब वचन में ही स्थिर बने रहे। समझे, हम वचन में जा रहे हैं, हम वचन सीखने सिखाने जा रहे हैं, और आप इसका अनुभव कर सकते हैं। मुझ पर कितना भारी दबाव है, क्योंकि देखिए यदि मैं कुछ गलत सिखा देता हूं तो उसके लिए मुझे उत्तर देना होगा। समझे, और इसलिए मुझे वह नहीं लेना है जो अन्य कोई कहता है, मुझे वह नहीं सिखाना है जो मनुष्य कहता है, मुझे तो चाहिए, यह तो आत्मा की प्रेरणा से होना चाहिए। और विश्वास करता हूं कि सात स्वर्गदूत जो सात गर्जनाओं को थामे हुए हैं इसे प्रदान करेंगे। समझे, सात स्वर्गदूत जो पिरामिड में आए थे, वह सात गर्जनाओं को थामे हुए थे। अब्राहम ने बोला, सात स्वर्गदूत जो पिरामिड में आए थे वो सात गर्जनाओं को थामे हुए थे। अब्राहम ने बोला, और नबी ने बोला, वो पहली पौलुस अपने समय की आवाज की, पौलुस अपने समय में एक गर्जना की पौलुस ने, और उसके बाद रेलियस आया, और उसके बाद मार्टिन आया, फिर कोलंबा आया, वेस्ली आया, और फिर एलिया आया, और ऐसे करते करते नबी ने बोला, इन सातों ने सात गर्जनाएं पकड़ी हुई थी। और नबी ने अपने संदेश में बोला, और इसलिए जरूरी है कि हम इस जीवन को जिए, इसलिए जरूरी है कि हम उस जीवन को जीकर दिखाएं। नबी अपने संदेश में बोलता है,
एक सिद्ध मनुष्य का डील डॉल, और नबी में बोलता है उसके पैराग्राफ है 88, और नबी ने उस पेज नंबर 88 है, और नबी ने इसमें बोला है, अग्रणम कहता है चोटी का पत्थर कभी भी पिरामिड के शीश पर नहीं रखा गया था। वे इसे नहीं समझ सके क्यों चोटी का पत्थर शीश पर पत्थर जो मसीह है उसे ठुकरा दिया गया, परंतु किसी दिन वह आएगा। अब सामर्थ सद्गुण के निर्माण में, इस ऐतिहासिक इमारत के निर्माण में, इस डीलडॉल के निर्माण में विश्वास ही इसकी लीव है। इसके निर्माण कार्य का यह क्रम है, विश्वास सद्गुण सामर्थ समझ संयम धीरज भक्ति परमेश्वर की समानता में आना भाईचारे की प्रीति। अब यह क्या करता है, उसके बाद वे उस चोटी के पत्थर की राह देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है और वही इस पूरी इमारत को नियंत्रित करता है। यही इसमें से प्रत्येक बात प्रत्येक हृदय की सामर्थ है। जी हाँ श्रीमान, ठीक ऐसा ही है, यह ठीक इसमें है। आप देखिए कि मैं यहाँ पर बीच में आ गया क्या हूँ, ये सारे कार्य यहीं पर है, यह यहाँ पर ये छोटी लहराती है, यह क्या है, पवित्र आत्मा मसीह के द्वारा नीचे आ रहा है। पवित्र आत्मा ही इन सबके ऊपर है और यही इन्हें एक साथ बांध रहा है। वह इसका किसका निर्माण कर रहा है, वह सिद्ध सच्ची कलीसिया का निर्माण कर रहा है। इसे तो सात कलीसिया काल और सात कलीसिया कालों के सुसमाचार दूतों के जरिए प्रकट होना है। और नबी कहता है वो क्या कर रहा है, वो सात कलीसिया कालों को बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जरूरी है कि वो चोटी का पत्थर वो प्रेम आए, और जितनी देर तक वो प्रेम नहीं आता, नबी ने बोला वो चोटी का पत्थर क्या करता है, इन सभी गुणों को चलाता है, और इन सभी गुणों की सामर्थ क्या है, वो चोटी का पत्थर। जितनी देर तक वो चोटी का पत्थर नहीं आएगा, इन गुणों को सामर्थ कहाँ से मिलती है, ये गुणों की सामर्थ है। और जब चोटी का पत्थर आता है तो वो आपको चलाता है, और जब वो चोटी का पत्थर कौन है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए जरूरी है कि हम इन गुणों में बढ़ते जाएं, और जब आप इन गुणों में बढ़ते जाएंगे, और नबी बोलता है वो आपको प्रेम से भर देगा। आप जानते हैं भाई ब्रनम उस प्रेम से भरा हुआ था, नबी उस प्रेम से भरा हुआ था, और भाई ब्रनम जब प्रेम से भरा था, भाई ब्रनम एक बार मिलटाउन में गया, और नबी को मिलटाउन के बारे में एक प्रेरणा हुई, और नबी मिलटाउन उस क्षेत्र में गया, नबी को मालूम नहीं था कि वो मिलटाउन कहाँ पर है, और नबी ने अपने भाइयों को बोला, उन्होंने एक भाई ने कहा भाई ब्रनम मैं जाता हूँ कि मिलटाउन कहाँ पर है और मैं आपको वहां ले जाऊंगा। नबी जा रहा था और तभी गाड़ी में भाई को प्रेरणा हुई, और नबी ने बोला वो चर्च है और मुझे उतार दो, मैं उस चर्च में जाना चाहता हूँ। और नबी जब वहां पर गया तो वो चर्च बंद था, और भाई ब्रनम वहीं पर रुक गए, और नबी ने घुटने पर आकर प्रार्थना की, और भाई ब्रनम ने बोला प्रभु के प्रभु अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ काम करूं, यहाँ पर कुछ बेदारी सभा करूं, तो ये द्वार खुलने पाए और मैं अंदर जाने पाऊं। और तभी एक मनुष्य आया और उस मनुष्य ने कहा भाई आप कौन है, उसने कहा मैं विलियम ब्रनम एक प्रचारक हूँ और यहाँ पर बेदारी सभा करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि आप बाहर से किस चर्च देखे, आप अंदर आइए। भाई ब्रनम अंदर गए और ऐसे करने के बाद उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की। नबी ने बोला कि मैं नगर में चला गया और चौराहों पर खड़ा होकर मैंने प्रचार करना शुरू किया, लोगों को बुलाना शुरू किया, बेदारी समय के सभा के बारे में बताना शुरू किया। और पहली मीटिंग बुधवार को ही कोई नहीं आया, उसके बाद अगली गुरुवार की सभा थी। और नबी बोलता जब हम लोग बैठे हुए थे तभी मीटिंग कर रहे थे, तभी एक मनुष्य आया जिसका नाम विलियम हॉल था, और नबी ने बोला नबी अब उस पुलपिट के पीछे मैसेज तैयार कर रहा था, तभी भाई ब्रनम के एक सहयोगी भाई ब्रनम के पास आए और बोले भाई ब्रनम ये बहुत ही कट्टर मनुष्य है और इस नगर का वो नास्तिक मनुष्य यही मनुष्य है। और वो चलता चलता भाई ब्रनम की सभा में आ गया, और भाई ब्रनम प्रचार कुछ अच्छे से करना क्योंकि ये बहुत नास्तिक मनुष्य है। भाई ब्रनम ने बोला जो प्रभु मुझे देगा, और भाई ब्रनम ने जब प्रचार किया, और नबी ने बोला नबी उस संदेश में नबी जब प्रचार कर रहा था, और नबी ने ऐसे प्रचार किए कि जैसे बहुत सारे लोग वो हॉल पूरा भरा हुआ हो, जबकि वहां पर तक लगभग 6-7 जन थे, और नबी ऐसे प्रचार कर रहा था जैसे बहुत बड़ी भीड़ भाई ब्रनम को सुन रही है। और भाई ब्रनम ने बोला जब भाई ब्रनम ने उस प्रचार का अंत किया, जब भाई ब्रनम
आखिरी प्रार्थना कर रहे थे, तब वह मनुष्य जो एक कट्टर मनुष्य था, जो कि कट्टरवादी था, जो कि नास्तिक मनुष्य था, वो अपने घुटने पर हो गया और जगवेदी पर आया और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। और भाई ब्रह्म ने बोला अपने संदेश में बताया कि क्या हुआ। वह मनुष्य उस पूरे नगर में गया, अगले दिन बहुत से लोगों को इकट्ठा करकर भाई ब्रह्म की सभा में लेकर आया और भाई ब्रह्म की को बताया कि वहां पर नगर में एक लड़की है जिसका नाम जार्जी कॉटर है, शायद ऐसा ही नाम है कुछ, और उसके बारे में भाई ब्रह्म को बताया और बताया कि वह बीमार है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसे टीबी है और लगभग 9 साल 8 महीने से वह बेड पर है और उसके माता पिता शायद बैप्टिस्ट है, वो आपकी उन्होंने उस लड़की को ऐसे बताया सबको, वो चाहती है कि भाई ब्रह्म आए और मेरे लिए प्रार्थना करे, उसके पास आपकी एक मैसेज है, वो मैसेज पढ़ रही है, उसने आपकी एक दवाई को देखा, वो चाहती है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। भाई ब्रह्म प्रेरणा के द्वारा उसके घर गए और आप जानते हैं मैसेज में कि कैसे कैसे भाई ब्रह्म ने उसके लिए एक दर्शन देखा, और जब भाई ब्रह्म ने उस दर्शन को देखा, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं सारा नहीं बता पाऊंगा, भाई ब्रह्म उसके घर में गए और प्रभु ने उस लड़की को चंगा किया, और कैसे चंगा किया, उसके पीछे कौन था, भाई ब्रह्म के अंदर का प्रेम था। भाई ब्रह्म अगर उस मनुष्य को अपने चर्च से बाहर निकाल देते, ये तो कट्टरवादी मनुष्य है, ये ऐसा मनुष्य है, ये वह करेगा, तो भाई ब्रह्म ने ऐसा नहीं किया, वही मनुष्य था जिसने उस नगर में भाई ब्रह्म की बेदारी सभाओं को चलाया और बहुत सारे लोग उस बेदारी सभाओं के अंदर परिवर्तित हुए। भाई ब्रह्म ने बहुत से लोगों को बैप्टिज्म दिया और बहुत से लोगों को प्रभु की ओर लेकर आए, और इसके पीछे कारण था विलियम ब्रह्म का, वो सिद्ध मनुष्य का डियर डॉल, क्योंकि भाई ब्रह्म उस वचन को जी रहे थे। भाई ब्रह्म बोलते हैं जब तक आप उस वचन को जीते नहीं है, तब तक आप प्रचार मत करें। नबी ने बोला है जब तक आप उस वचन को जीते नहीं है, यही कारण है कि आज लोग 7 गर्जन का प्रचार नहीं करते, क्योंकि वह 7 गर्जन को जीते नहीं है, जो 7 गर्जन को जीते हैं वो 7 गर्जन का प्रचार करते हैं, क्योंकि नबी ने बोला है जब तक आप इसको नहीं जीते वचन को, तब तक आप इसका प्रचार मत करें। और इसलिए नबी ने बोला है कि जब तक आप इसको नहीं जीते इसका प्रचार मत करें। यही कारण है आज बहुत सारे चर्चों में 7 थंडर का प्रचार नहीं होता, यही कारण है कि वो 7 थंडर के बारे में बात नहीं करते, वो 7 थंडर वाले लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनको बुलाना नहीं चाहते, उनसे अलग रहने को बोलते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है 7 गर्जन उठाए जाने का विश्वास देती है, और आपका जीवन ही शैतान के विरुद्ध एक गर्जन है, और नबी का जीवन ऐसा जीवन था जो शैतान के विरुद्ध एक गर्जन था, और विलियम ब्रह्म अपने जीवन में प्रेम से भरा हुआ था, भाई ब्रह्म अपने जीवन में प्रेम से भरा हुआ था, वो प्रेम क्या है, वो छोटी सा पत्थर प्रेम है, और नबी ने बोला नबी उस प्रेम से भरा हुआ था, और विलियम ब्रह्म जब उस सेवकाई को कर रहा था, भाई ब्रह्म उस सेवकाई को करते भाई ब्रह्म एक समय प्रचार कर रहा था, वो प्रचार मंच पर था, और आज भाई ब्रह्म जब प्रचार कर रहा था तो उसी के चर्च में कुछ एक लड़का और एक लड़की गलत हरकतें कर रहे थे, तभी स्वर्ग दूत नीचे आया और उसने भाई ब्रह्म को बोला, विलियम ब्रह्म तुम जो बोलोगे वैसा ही हो जाएगा, अगर तुम इन लड़कों लड़की को अभी मारना चाहते हो तो ये अभी मर जाएंगे। तब भाई ब्रह्म मुड़े और उन्होंने बोला, पिता मैं इन्हें क्षमा करता हूं। और ये है 7 गर्जन का जीवन, 7 गर्जन का जीवन क्षमा को लेकर आता है। जब आप 7 गर्जन का जीवन जीते हैं, जब आप 7 गर्जनाओं को जीते हैं, जब आप 7 गर्जनाओं को जान जाते हैं, जब आप मसीह को जान जाते हैं, आप जान जाते हैं कि मसीह कौन है, आप क्षमा वाला जीवन जीते हैं, आप वो जीवन जीते हैं जो क्षमा पर आधारित है, आप अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, आप उन सभी मनुष्य से प्रेम करते हैं जो आपके विरोध में है, आप उन सभी लोगों के साथ प्रेम करते हैं जो आपके विरुद्ध में है। क्या यह बाइबल में नहीं था? जब इस्तीफान को पथराव किया गया, बाइबल बताती है इस्तीफान पथराव कर उसको पथराव किया जा रहा था, और बाइबल बताती है पर इस्तीफान क्या बोल रहा था, ये पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं। और यही तो 7 गर्जन का जीवन है जो शैतान के राज्य को लाता है, और प्रभु यही जीवन चाहता है। और जितनी देर भाइयों मेरी बहनों आप उस जीवन को नहीं जीते, जितनी देर आप उन रद्दों पर रद्दों को नहीं रखते, आप विश्वास के साथ सद्गुण सद्गुण के साथ समझ और ऐसे बढ़ते नहीं जाते,
जब तक वो ज्योति का पत्थर वो प्रेम आपको आकर नहीं ढांपता, आप मसीह के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल बताती है ये सात गर्जन हमें उठाए जाने का विश्वास देगा, ये सात गर्जन ही में उठाए जाने का विश्वास देंगी। बाइबल कहती है नबी का संदेश है प्रकाशित वाक्य चिन्हों की किताब और इसका पैराग्राफ 64 नबी बताता है, याद रखे दानियल को दूत के द्वारा बताया गया था, दानियल ने अपनी कलम पकड़ी और उसने लिखना शुरू किया और दूत ने कहा तुम यह मत लिखो आदिल, क्या तुम तैयार हो, आओ हम लगभग अगले 5 मिनट के लिए इसमें चले। बोले तुम यह मत लिखो, योहना ने भी यह चीज देखी, यह पहले ही बाइबल में बाहरी तरफ लिखा जा चुका है और पुस्तक के बाहर उन सात मोहरे लगी हैं ताकि कोई मनुष्य इसे खोल ना पाए। वो आवाजें थी, यहाँ पर बाइबल लिखी हुई है जो आप अपने आप में एक भेद है, लेकिन बाइबल के बाहरी तरफ प्रकाशन दानियल को दिखाया गया था। कह सकते हैं यह सात आवाजों ने जो आवाजें दी वो कोई मनुष्य खोल नहीं पाएगा, कोई मनुष्य नहीं जानता था वह क्या था, लेकिन बाइबल में स्थिति और प्रकाशन है बहुमूल्य बहुवचन जो दानियल को दिखाया गए थे। देखिए वहां पर सात गर्जनाओं का एक शब्द हुआ और कोई भी मनुष्य ना तो ना ही इन्हें खोल सकता और ना ही इसे जान सकता था यह क्या था, लेकिन बाइबल ने कहा कि इसने दानियल और योना को भी बताया कि अंतिम दिनों में ये सात आवाजें एक वास्तविक सच्ची कलीसिया के द्वारा जानी जाएंगी। बाइबल बोलते हैं उसने दानियल और योना को भी बताया कि ये सात आवाजें एक वास्तविक सच्ची कलीसिया के द्वारा जानी जाएंगी। क्या आपने इसे पकड़ा, क्या तुम देख सकते हो, झूठे और नकल करने वाले वो किस तरह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि महान व्यक्तियों को इस स्थान से दूर रख सके। भाई ब्रैनम बोलता है झूठे और नकली लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना पूरा यत्न कर रहे हैं कि क्या करें इन व्यक्तियों को इस जगह से दूर रख सके, पर भाई ब्रैनम बोलता है कि अंतिम समय में एक कलीसिया ऐसी होगी जो इन सात गर्जनाओं के शब्दों को लेगी, जो इन गर्जनाओं को लेगी और लेने के लिए इसे पकड़ेगी और इसे जिएगी। हालेलुया। और अभी वो समय है जब कलीसिया इस जीवन को जिएगी, क्योंकि भाई ब्रैनम ने उस जीवन को जीकर दिखाया, भाई ब्रैनम ने उस जीवन को लिया और भाई ब्रैनम उस जीवन को जीते थे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा रैप्चर हो, हमें उन सात गर्जनाओं को जीना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आज का विषय यही था, तुम्हारा जीवन ही शैतान के विरुद्ध एक गर्जन है। अगर आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे, अगर आप मसीही जीवन नहीं जी रहे, अगर आज भी आपको चर्च लगाने लेकर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आपको प्रार्थना के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आपको बाइबल पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आपको मैसेज पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो अभी तक आपकी मुलाकात मसीह से नहीं हो पाई मेरे भाइयों मेरी बहनों। अगर आप अभी भी अपनी परेशानियों को देख रहे हैं, अपनी मुश्किलों को देख रहे हैं, तो अभी भी आपकी मुलाकात प्रभु से नहीं हो पाई मेरे भाइयों मेरी बहनों। जब आप उस जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन ही शैतान के विरुद्ध एक गर्जन बन जाता है। आप जानते हैं आपका जीवन, नबी ने बोला शैतान आपके जीवन से डरता है, शैतान आपकी प्रार्थना से नहीं डरता, शैतान आपके किसी काम से नहीं डरता, वो आपके जीवन से डरता है। इसलिए जरूरी है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि हम उस जीवन को जिए, उस जीवन को जिए जो प्रभु ने बोला है कि उसे जिया जाए। क्या आप उसे जीना चाहते हैं? और इसलिए जरूरी है हम उस जीवन को जिए। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं और उस जीवित प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हमारे जीवित और अति अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, सुंदर शाम के लिए पिता, इसको मेरे प्यारे भाइयों ने ऑर्गेनाइज किया प्यारे प्रभु। और खुदावन प्रभु, मैं योग्य तो नहीं था प्रभु, काबिल नहीं था प्रभु, पर आपका लहू है जो हमें योग्य बनाता है प्रभु, और इस काबिल बनाता है प्रभु कि हम आपके वचनों को पढ़ सकें प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह अधिकार दिया है प्यारे प्रभु।
ओ अनुग्रहकारी पिता, जितने भी भाई जितनी भी बहने प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, सभी आशीषित होने पाए प्रभु, उस जीवन को जी सके मेरे प्रभु, वो सात गर्जन की बेदारी उनके अंदर आ सके प्रभु, क्योंकि नबी ने बोला है सात गर्जन दुल्हन को उठाए जाने वाला विश्वास देंगी मेरे प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु वे ये अंतिम समय में एक दुल्हन होगी प्रभु, एक कलीसिया होगी जो इन सात गर्जनाओं को जी कर दिखाएगी प्रभु। सात गर्जन जीने का विषय है प्रभु, अनुग्रह कीजिए मेरे पिता। इस छोटे से झुंड को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, भाई अजय को, भाई आकाश को, प्रभु मैं अपने सभी भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्यारे पिता आप उन पर अनुग्रह करें पिता, आप उन पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। भाई राजू पर अनुग्रह करें प्रभु, जिस भाई ने इसको ऑर्गेनाइज किया, भाई आकाश पर दया करें पिता, और सभी सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों पर अनुग्रह करें प्रभु। इस प्रार्थना को जीवित और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you भाई, God bless you सभी को।